दोस्तों बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब स्टॉक था ट्रेड पे था, हमने प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको बताया गया था। अभी के टाइम आप देखेंगे तो 5.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई गिरावट कहाँ तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हाल ही में मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी में 40% का हिस्सा यहाँ पे खरीदा है और 3300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया। उसकी बदौलत स्टॉक में रैली देखने को मिली है। एंड यहाँ से आगे क्या व्यू रहने वाला है, क्वार्टर थ्री के आंकड़े कब देखेंगे, क्योंकि कंपनी दोस्तों अभी के टाइम लॉस मेकिंग है। सबसे बड़ी चीज लॉन्ग टर्म देख सकते हैं, मुकेश अंबानी जिस 40% हिस्सा खरीदा तो उन पे विश्वास करके हम यहाँ पे रोक सकते हैं। बट अगर इस कंपनी पे विश्वास किया जाए तो कंपनी पहले से लॉस मेकिंग है, तो आगला फ्यूचर यहाँ पे दोस्तों उनके अकॉर्डिंग हम रोक सकते हैं। बट अभी के टाइम जो डाटा है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों देखो वोलेटिलिटी नजर आ रही है। हाल ही के अंदर 11 जो यहाँ पे 9 जनवरी था, 9 जनवरी को बाउंड दिखाई लगा था अराउंड 38.39.5% का। उसके बाद दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिल रही है, अराउंड 34 पे आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे जिन्होंने टॉप लेवल पे खरीदा, तेजी में खरीदा, वो भी के टाइम लॉस में है, तो क्या लॉस रिकवर होगा या बेच के निकलना चाहिए, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी चीज आप ध्यान रखना। मेन चीज भाई क्वार्टर थ्री के आंकड़े कब दिख रही है, कंपनी ने कोई डेट बताई है या नहीं बताई है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि भाई रिजल्ट की डेट आई है या नहीं आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों रिजल्ट आपको 17 जनवरी को देखने को मिलेगा। 17 जनवरी को दोस्तों क्वार्टर थ्री के आंकड़े तैयार हो जाएंगे। कैसे आंकड़े देखेंगे वो भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे। इससे पहले जैसा कि डाटा हम देख लें कि भाई आज क्या व्यू नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे 4 करोड़ 13 लाख से यहाँ पे ट्रेड हो चुके हैं, वॉल्यूम आज की है। एंड यहाँ पे जो बायर्स है करंटली 61 लाख के बायर, 61.5 लाख के बायर है। यहाँ पे 1.5 करोड़ शेयर हमें सेलर देखने को मिल रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट भाई डिलीवरी कितनी है, डिलीवरी शानदार है, अराउंड 8% माल रेगुलर यहाँ पे उठाया जा रहा है। अराउंड हमने अभी के टाइम देखा दोस्तों 2 करोड़ 30 लाख शेयरों की डिलीवरी हो चुकी है। एंड अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों तो 100 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करंटली कितने बजे तक, 12 बजे तक हमें देखने को मिल चुका है। तो डाटा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, बट अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट कि भाई क्वार्टर थ्री के जो नए शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आ चुके हैं या नहीं, वो भी न्यू। एंड यहाँ पे जिस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 40% का हिस्सा बाय किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि वो अगर कंपनी को ब्राइट फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट किया तो फिर यहाँ से आगे कुछ सोच के ही किया है, तो ये चीजें हमें आगे देखने को मिल सकती है अच्छी सुधरती हुई। देखिए दोस्तों अभी के टाइम आलोक इंडस्ट्री में आपको आप देखेंगे तो अराउंड 5.5% की एक बड़ी गिरावट नजर आ रही है। जिन लोगों ने टॉप पे खरीदा है वो अभी के टाइम लॉस में, और अराउंड आज फिर उनको दोस्तों 5% का लॉस हो चुका है। तो आगे क्या व्यू रहने वाला है एंड यहाँ पे करना क्या चाहिए, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले। देखो जो RSI है 74 का नजर आ रहा है, RSI ओवरबोर्ड था, आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए बताया गया था। RSI को देखते थे कि भाई RSI ओवरबोर्ड हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, ज्यादा तेजी नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने एक बड़ी तेजी यहाँ पे दिखा दी थी। अराउंड स्टॉक ट्रेड करा था किस लेवल पर, स्टॉक ने रैली दिखाई 21 रुपए के लेवल से अराउंड 39 रुपए के लेवल तक गया था, लगभग यहाँ पे डबल हुआ, 90% के आसपास की रैली हमें नजर आई थी। अब लोग क्या करते, लालच करते हैं, अब इतनी बड़ी तेजी आ गई फिर भी लोगों को यहाँ पे खरीदना, भाई अब उनका लालच क्या था कि यहाँ पे आ चुका है अब यहाँ से और ऊपर चला जाएगा मैं प्रॉफिट कर लूंगा। बट एक चीज आप समझो कि जब जब दोस्तों आप सोचते हो कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा तभी वो गिर जाता है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको पता नहीं, डाटा नहीं पता है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डाटा को समझो। एंड करंटली आप देखोगे मेन सपोर्ट लेवल के लिए आपको बताया गया था, वो मैंने बताया था अराउंड 34.80 पैसे का, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है तो फिर से तेजी दिखेगी, अगर रिवर्सल नहीं आता है तो फिर एक बड़ी गिरावट अराउंड जो गिरावट है वो और देखने को मिल सकती है। एंड इसके बाद जो सपोर्ट है दोस्तों वो हमें देखने को मिलेगा अराउंड 27 रुपए का, ठीक है, 27 रुपए का सपोर्ट है, उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। एंड अभी की बता दूं दोस्तों लॉन्ग टर्म पे भरोसा है, अभी के टाइम मानते हैं दोस्तों फंडामेंटल थोड़े नेगेटिव है, तो अगर फंडामेंटल धीरे धीरे पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर स्टॉक नहीं मिलेगा, एक बड़ी रैली यहाँ पे नजर आएगी, अराउंड जो 100 का टारगेट है वो भी क्रॉस करेगा। बट ये कि फंडामेंटल ठीक होना चाहिए, कंपनी के शेयर्स बढ़ने चाहिए, रिजर्व बढ़ना चाहिए, एंड यहाँ पे डेप्थ वो कम होना चाहिए, ये कई सारी चीजें कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, तो ये चीजें यहाँ पे रहेगी तभी आगे जाके फ्यूचर ब्राइट होगा। अब देखते हैं अगले 2-3 क्वार्टर कैसे रहते हैं।